हेलो एवरीवन, सो आज हम जो करने वाले हैं वो चैप्टर 11 का वर्कशीट 4 का सेकेंड पार्ट है ये। तो इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू सॉल्व ओनली टू सम्स। व्हाई? देखो, पहले एक बात कह देता हूँ, इसका जो पिछला वाला वीडियो था वो क्वेश्चन, वहां पर मैं क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करे है। क्यों? एकदम सेम जैसा सम था वहां पे, वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका था, तो इसलिए अभी भी दो सम है, 6 और 7, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ट्रायंगल रिलेटेड है लेकिन डिफरेंट टाइप का है। अब 8 से रोम्बस का सम स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए देखो, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे 6-7 के बाद 8-9 ऐसा डाल सकता था, लेकिन मैं सोचा कि एक ही टाइप का सम एक ही क्लास में रहना चाहिए, तो अभी इस वीडियो में मैं बस 6 और 7 डालूंगा। इसका नेक्स्ट जो आएगा वहां पर मैं कोशिश करूंगा सब एक साथ करने के लिए, शायद नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पाए तो उसमें दो पार्ट कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन वो जो होगा वो रोम्बस का सम होगा। तो अभी आज जो है ट्रायंगल का और दो टाइप का साम है, दोनों साम ही डिफरेंट टाइप का है, अच्छा साम है, तो एक बार देख लेना। तो गाइस चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कहा गया कि द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट। ओके, इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹36 पर हेक्टर, नाउ हेक्टर आ गया है, बी केयरफुल, इज 486, मतलब टोटल ये खर्चा हुआ है, फाइंड द बेस एंड हाइट। अब यहाँ पे देखो, हेक्टर, 1 हेक्टर मतलब क्या है, 10,000 meter square। ये मैंने, मेरा जो फर्स्ट वीडियो है एकदम इंट्रोडक्शन वीडियो, वहां पे मैंने ये सब जो यूनिट के बारे में हम एक्सप्लेन करे है। तो 1 हेक्टर, देखो यहाँ पे एक नया चीज है, 1 हेक्टर 10,000 meter square। ओके, अब देखो यहाँ पे बताओ, अगर इसका हमें एरिया यहाँ पे कल्टीवेट करना है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें हमें कल्टीवेट करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कल्टीवेट मतलब इसका एरिया कल्टीवेट करना, मतलब इस स्पेस में हमें कल्टीवेट करना है, ये जो जगह है, फिर से देखो ये जो जगह है खाली जगह, तो इस जगह पे हमें कल्टीवेट करना है, मतलब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, उस एरिया में कल्टीवेट करना है, ठीक है ना। इस प्लेस का मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, मतलब इस जो इस भीतर में जो इंटीरियर पार्ट है ट्रायंगल का, ये आ जाएगा। तुम लोगों को पता है एरिया का मीनिंग क्या होता है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब बताओ, कोई ट्रायंगल का एरिया अगर फाइंड आउट करना चाहते हो तो हमें क्या क्या चाहिए, अभी जो जो सीखे, देखो एक हेरेंस फॉर्मूला बोल के एक है, क्लास 9 में पढ़ोगे तुम लोग, तो अभी जो जो है वो क्या चाहिए, हाइट चाहिए एंड इसका बेस चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं ए से अगर कोई भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये सोचो कि ए डी इज अ हाइट, ओके ना। अब इस हाइट के हिसाब से बेस कौन होगा, बी सी, किसके ऊपर ये खड़ा है, स्टैंड है, इट इज स्टैंड बाय, इट इज स्टैंड ऑन बी सी, सो डेफिनेटली बी सी इज द बेस, और किसके साथ 90° एंगल फॉर्म कर रहा है, बी सी के साथ ना, ए डी बी सी के साथ कर रहा है, तो इसलिए बी सी जो है बेस। तो अब हमें अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता चल गया तो एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, एकदम। चलो अब देखो यहां पे जो कहा गया कि इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट ₹36 पर हेक्टर, एक हेक्टर में कितना खर्च हो रहा है इतना, अब टोटल खर्च कितना हुआ है 486। अब एक हेक्टर में अगर इतना खर्च हुआ, सुनो फिर से, एक हेक्टर में खर्च हुआ है ₹36, तो अब बताओ टोटल खर्च क्या होगा। चलो यूनिटरी मेथड करता हूं, अब देखो ₹36 खर्च होता है कितने में, एक हेक्टर में, तो ₹1 खर्च अगर करने की कोशिश करें हम यूनिटरी मेथड, तो कम हो गया वैल्यू, तो यहां पे आके डिवाइड होएगा, तो 1/36 आवर, सॉरी हेक्टर, ओके 1/36 हेक्टर। आप बताओ कितना रुपीज टोटल खर्च हुआ है, 486, तो रुपीज 486 खर्च होने के लिए कितना हेक्टर लगेगा, अब 1 से ज्यादा हो गया मतलब इनटू होगा, मतलब ऊपर में आएगा दिस, अब इसको कैंसिल करो, ये 6 से जाएगा, 6 6 36, 6 8 6 1, अब 3 से जाएगा, 3 2 3 27, मतलब 27/2, इतना हेक्टर हो गया। तो मतलब टोटल खर्च, अगर इतना खर्च किससे कहां पे कर रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है यहां पे है या नहीं,
तो ये जो फील्ड का एरिया क्या है, दिस, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो फॉर्म है, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया डायरेक्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है हमें, इस रुपीज के साथ, मतलब एक फीट से सुनो, एक हेक्टर में खर्च हो रहा है 36, तो 486 हेक्टर, मतलब इतना खर्च होने के लिए कितना हेक्टर लगेगा, 27/2 हेक्टर। तो इतना, मतलब इतना खर्च कहां पे किया गया है, इस एरिया में, तो वो क्या है 27/2, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया क्या है 27/2 हेक्टर। अब हेक्टर को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो आप बताओ एक हेक्टर मतलब इतना मीटर स्क्वायर होता है, तो इतना हेक्टर मतलब दिस इनटू दैट, तो वन हेक्टर मतलब क्या होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप 27/2 मतलब क्या होगा, वैल्यू बढ़ गया ना वन से ये, तो क्या होगा दिस इनटू 27/2, अब टू से तो ये कैंसिल होगा, 5,000, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एरिया तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तो चलो करके देखते हैं। इतना खर्च मतलब इतना मीटर स्क्वायर, तो अब ये क्या है, एरिया है, तो इतना एरिया है ये ट्रायंगल का। अब बाकी पार्ट को पढ़ लेते हैं, मतलब पहले जो बोला गया था, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट, मतलब अगर ये जो होगा इसका जो हाइट होगा उससे 3 गुना होगा, 3 times ऑफ इट्स हाइट, मतलब हाइट से 3 गुना। तो हाइट का अगर x मान ले तो बेस क्या होगा 3x, 3 गुना मतलब 3 into x, तो 3 गुना होगा। सो अब ये बेस हो गया, अब इसका तुम्हें हाइट मिल गया, बेस मिल गया, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर सकोगे, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस मतलब एक्स, 3x इंटू हाइट मतलब x, तो 3/2x2। अब इसका जो वैल्यू है ये इसके साथ इक्वल होगा, क्यों, ये है हम लोग का एरिया, हम लोग x मान के चले हैं इसलिए ये एरिया आया है। अब यहां से हमने एरिया फाइंड आउट करा वो है दिस, तो ये दोनों इक्वल होने वाला है, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो वहां से x का वैल्यू मिल जाएगा, तो बस तुम्हें उसका जो हाइट है और उसका कॉरस्पॉन्डिंग बेस है वो भी मिल जाएगा। तो चलो अब तुम लोगों को शायद ये समझ में आ चुका है, तो स्टेटमेंट लिख के अब सॉल्व करने वाले, सो लेट्स सी, हम पहले ना ये पार्ट को सॉल्व करेंगे। लेट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल बी एक्स मीटर, मैं मीटर में करने वाला हूं, ठीक है ना, देयरफॉर बेस बीसी, चलो बीसी लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा 3 into height, सो दैट इज 3x मीटर, क्योंकि यहां पे कहा गया कि हाइट का 3 times है। देखो यहां पे लिखा गया है कि द बेस ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट, 3 times मतलब 3 गुना, तो दिस, अब यहां तक सही है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग करेंगे कि इसका एरिया, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो हाफ इंटू बेस मतलब 3x इंटू हाइट मतलब x मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो यहां पे 3.5 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आएगा, x इंटू x एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट है वो वैल्यू है, तो दिस मीटर स्क्वायर, ये है अभी एरिया। अब जो सेकेंड पार्ट देखो, यहां पे कहा गया कि पर हेक्टर में कितना खर्च हो रहा है 36 रुपीज है ना, तो टोटल खर्च कितना हुआ है 486, सो टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग क्या होगा बोलो, ये गिवन है ₹486। नाउ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग पर हेक्टर इक्वल्स टू ₹36 है ना, तो यहां से देखो इतना सारा हम नहीं करेंगे, ये रफ वर्क था तुम लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। तो एरिया कैसे मिला, टोटल कॉस्ट के साथ पर हेक्टर में जितना खर्च हो रहा है उसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना, तो देयरफॉर एरिया मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट जो है कितने, टोटल एरिया जो खर्च हुआ, मतलब टोटल जो ट्राइंगल का एरिया है उसी में ये खर्च हुआ है, तो एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिखूंगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू, अब यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं, दैट टोटल कॉस्ट बाय कॉस्ट पर हेक्टर, ठीक है, ये याद रखना
एक हेक्टर में जितना खर्च होगा वो डिवाइड होगा डिनोमिनेटर में आएगा और टोटल कॉस्ट ऊपर आएगा, तो उसको डिवाइड करके टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय पर हेक्टर कॉस्ट तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। लेकिन एरिया जो आएगा हेक्टर में आएगा, याद रखना, क्योंकि पर हेक्टर में तुमने कॉस्ट फाइंड आउट करा है। तो वो है 486/37। तुम कहोगे सर ये तो रुपीज में था, ऑल ऑफ अ सडन ये हेक्टर क्यों हो गया? देखो रुपीज रुपीज तो कट जाएगा, और ये क्या मैंने लिखा एरिया, देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 36 रुपीज खर्च होता है 1 हेक्टर में, तो इतना खर्च होता है कितना हेक्टर, इतना हेक्टर मतलब, हेक्टर मतलब क्या एरिया, तो इसका एरिया, तो अभी यहां पे लिखना है हेक्टर, ओके इक्वल्स टू क्या आया था, मैं और कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं 2 यहां पे 27, सो 27/2 हेक्टर, ओके। अब इसको किसे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में, तो देयरफॉर 27/2 इनटू 10,000, देखो बुक में तुम लोग का बुक में दिया गया, देखो 10,000 मीटर स्क्वायर, तो 1 हेक्टर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। हेक्टर यूनिट को मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करा, कौन सा यूनिट बड़ा है, हेक्टर, तो बड़ा से छोटा यूनिट में आओगे तो मल्टीप्लाई करना है, तो 1 हेक्टर मतलब इतना मीटर स्क्वायर, तो हेक्टर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट है। 5,000 इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, अभी भी मैंने करा 135,000 मीटर स्क्वायर, अब यहां तक आ गया, तो अभी ये है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब वही मैंने क्या फाइंड आउट करा यहां पे 3/2 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल होगा या नहीं, चलो तो मैं यहां पे कोशिश करूंगा, एक ही बोर्ड में मैं राब नहीं करने वाला हूं, तो यहां पे कर दे रहा हूं, एक बार देख लो। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम, ये जो एरिया है देख सकते हो यहाँ पे 3/2 एक्स स्क्वायर, ये एरिया किस इस ट्रायंगल का है, अभी ये एरिया किस ट्रायंगल का, इसी ट्रायंगल का, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 3/2 एक रैशनल नंबर है जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड में ट्रांसपोज करोगे तो उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, तो 135,000 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 से तो ये कटेगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 90,000 दिस, अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स एंड 3x, सो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, चलो 90,000 मतलब क्या है, 90,000 मतलब क्या है पता है, कितना जीरो देखो 90,000 है ना 40, अब देखो मैं 90,000 लिखा है, ये कौन सी नंबर का स्क्वायर है कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो अगर एक बात पूछे 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तुम लोगों को पता है क्योंकि 10 का जब स्क्वायर करोगे तो ये जो जीरो है वो डबल हो जाता है, तो अभी ये पूछे कि 400 किसका स्क्वायर है, तुम सबको पता है 20 का स्क्वायर, जस्ट 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक जीरो के बदले में 2 जीरो, जीरो का जो जितना नंबर ऑफ जीरो होगा वो डबल हो जाएगा, तो यहां पे देखो 40 है मतलब यहां पे 20 लिखो, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, अब चलो एक बार चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर क्या है 9 और 2 जीरो के बदले में 40 आएगा, मतलब 300 का स्क्वायर है 90,000, तो यहां पे तुम लिखने वाले हो 300 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 300 का स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा 300 आएगा, तो एक्स का वैल्यू हमें मिल गया, अभी एक्स का वैल्यू आ गया तो चलो इस जगह पे राब कर देता हूं, यहां पे आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 300 ये होगा मीटर, सो एक्स इक्वल्स टू 300 मीटर, सो देयरफॉर 3x इक्वल्स टू क्या होगा 3 इनटू 300 मीटर 900 मीटर, तो उसका जो बेस है वो 900 मीटर है, उसका जो हाइट है वो 300 मीटर है, एक बार आंसर लिख लेना। तो बच्चों देखो एक बात कहना है कि सब बच्चे क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते ही वो लोग छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि ये हमें कन्वर्ट करना है, ये सब करना है, क्योंकि आंसर में क्या पूछा गया है कि फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, दोनों ही फाइंड आउट करना है, बस तुम एक्स लिख के छोड़ दोगे तो थोड़ा मार्क्स कट जाएगा, तो बी केयरफुल यहाँ पे एकदम ध्यान रखना, तो बस 3x मतलब बेस है 900 मीटर, x मतलब उसका हाइट है 300 मीटर। सो अभी जो है क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां पे जो कहा गया कि इन द फिगर 11.14 मतलब ये वाला बुक में देख सकते हो तुम लोग, एस टी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, यहां पे शायद देख सकते हो यहां पे एस ये टी मतलब ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ना इसका जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, देख सकते हो मैंने बुक में भी लिख के रखा है, एक काम करो आप एक बॉर्डर लाइन कर देता हूं, तो देख सकते हो ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल है मैंने एक बॉर्डर किया है, जैसे तुम लोगों को समझ में आए, दो ट्रायंगल है यहाँ पे एक्चुअली,
पी क्यू आर, ये पूरा ट्रायंगल, मतलब ये व्हाइट पोर्शन और रेड पोर्शन को लेके ये पूरा वाला एक ट्रायंगल है, और एक जो है एस क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये बुक में भी ये फिगर ड्रॉ करके रखा गया है, देख सकते हो तुम लोग। अच्छा, नाउ एस टी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बेस है दिस इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, ओके क्यू आर। नाउ द एरिया ऑफ द लार्जर ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो मैं यहां पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, पी क्यू आर मतलब लिख रहा हूं नेम, और एक जो है ट्रायंगल एस क्यू आर। अब बताओ पी क्यू आर मतलब ये बिगर वाला है, तो ये जो है लार्जर, इसका वैल्यू दिया गया है 50 मीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन, मतलब मैं जो रेड कलर में शेड किया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जो ट्रायंगल है रेड कलर में मैंने जो शेडेड किया है बस उसको नहीं, मतलब पूरा पी क्यू आर ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें से अगर ये पोर्शन में हटा दिया तो ये वाला बाकी पार्ट रह जाएगा या नहीं, शेडेड पोर्शन, ये जगह अगर तुम समझ लियो ना बाकी तो आंसर खुद ब खुद हुआ हुआ आ जाएगा, मतलब अपने आप ही आ जाएगा। फिर से एक और बार सुन लो कि ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल है उसमें से अगर इस पार्ट को तुम काट लो, जैसे मैंने हम लोग करे हैं याद है वो क्या था, हाँ फर्स्ट चैप्टर में, कि एक ट्रायंगल रेक्टेंगल का मतलब पैरेललोग्राम का बीच से, मतलब एक रेक्टेंगल के बीच से और एक रेक्टेंगल को हटा दिया तो वो बाकी पार्ट रास्ते का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टोटल जो ट्रायंगल है पी क्यू आर उससे अगर ये जो ब्लू में मैंने मार्क किया है व्हाइट पोर्शन देख सकते हो ये वाला ट्रायंगल, इसको अगर हटा दिया तो बस ये बाकी पोर्शन रह जाएगा या नहीं, डेफिनेटली मैंने इस जगह पे सेट नहीं किया, मतलब इसको माइनस करना है पूरा जो ट्रायंगल होगा उससे, ये बात तुम लोगों को शायद समझ में आ चुका है, तो बस इसको हमें माइनस करना है। तो टोटल ये बड़ा वाला ट्रायंगल का तो एरिया दिया गया है, अगर छोटे वाला ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सके तो इजीली ये जो बाकी पोर्शन है शेडेड पोर्शन हम कर पाएंगे, कैसे 50 से इसको माइनस कर देंगे। तो एरिया एक बार लिख लेते हैं रफ वर्क, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, चलो एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन मैंने लिखा, तो ट्रायंगल पी क्यू आर ये जो बड़ा ट्रायंगल है उससे क्या करना है, एरिया माइनस करना है किसका, एस क्यू आर, क्या माइनस करना है एरिया, बी केयरफुल ये एरिया होगा ब्रैकेट में, ये होगा एरिया और ये भी एरिया, दिस एरिया बिगर ट्रायंगल एरिया माइनस ये जो छोटा ट्रायंगल है स्मॉलर ट्रायंगल एरिया, तभी तुम्हें मिल जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन। तो बस इसको स्टेटमेंट को लिखते हुए हम करेंगे। देखो अब हमारी जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है, एरिया ऑफ द जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका एरिया गिवन नहीं है, इट हैज नॉट बीन गिवन, लेकिन उसका हाइट दिया गया है। देखो यहां पे ये इसका मीनिंग क्या है, ये 90 डिग्री है, मतलब एस टी क्या है उसका परपेंडिकुलर छोटा ट्रायंगल का, एंड मतलब छोटा ट्रायंगल मतलब एस क्यू आर का, एंड क्यू आर जो है बेस वो 9 सेंटीमीटर दिया गया है, बेस एंड हाइट दिया गया है, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वो पहले करेंगे फिर माइनस करेंगे। ओके सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू गिवेन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवेन है। नाउ इन ट्रायंगल एस क्यू आर, और नहीं तो इसको ऐसे भी नोटेशन करके लिख सकते हो, ट्रायंगल एस क्यू आर में देखो जो है हाइट, उसका हाइट क्या है, हाइट एस टी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, एंड बेस क्यू आर, एक्चुअली जो बड़ा वाला ट्रायंगल है और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों का बेस सेम ही है, वो है क्यू आर, वो है गिवन 9 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एस क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू, आप बताओ बेस क्या है 9 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, सो एरिया क्या होगा 9 इंटू 5 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके इक्वल्स टू 45 बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको चलो डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा नहीं समझ में आया तो देखो एक बार, 45 को 2 से डिवाइड करो, 5 आएगा, 2 4 1 आएगा 0.0510,
अगर नहीं समझ में आया तो ये देख लो एक बार, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ द ट्राइंगल SQR। अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, जो बड़ा वाला ट्राइंगल 50 है यहाँ पे और यहाँ पे 50, यहाँ पे 22.5, इसको माइनस करोगे तो जो आंसर मिलेगा वही आंसर होगा तुम्हारा। तो चलो अभी आंसर लिख देता हूं। देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, ये वाला ट्राइंगल बड़ा वाला, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल SQR। गॉट इट। अब इसका तो गिवन है बुक में 50, इसका अभी भी मैंने फाइंड आउट करा 22.5 टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट देना मत भूलना। तो इसको माइनस करोगे तो यहां पे 5 आएगा, 1 कैरेट 3 मतलब 7 आएगा, फिर से 1 कैरेट 3 2 आएगा, 27.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजियन, बस यही पूछा गया था। ये साम भी बहुत ही अच्छा साम है, इंपॉर्टेंट साम है, और इसका पिछला वाला जो था जो 6 नंबर था वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा था कि ये वीडियो उतना लेंदी नहीं होगा, लेकिन इसमें इतना कुछ एक्सप्लेन करना था, शायद मैं चाहता तो भी ये नेक्स्ट जो 8 नंबर 9 नंबर यहाँ पे डाल नहीं सकता, तो अच्छा ही हुआ। देखो बच्चों, मैं ये बहुत अच्छे से तुम लोगों को एक्सप्लेन करा है, शायद तुम्हें समझ में आया है। अगर आया है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। सो अभी तक जो लोग मेरा पूरा वीडियो देखे हो उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, और एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी लिख दो कि आई हैव सीन फुल वीडियो सर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ वर्कशीट 4 चैप्टर 11। सो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर and goodbye.